दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनडीजे म्यूजिक कंपनी में। और अब हमारा ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है कि हम अपने कलाकारों को हमारे राजू भाई के द्वारा और हमारे रतन भाई के द्वारा इनके हाथों से हमारे कलाकारों को प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया जाएगा। इस श्रृंखला के अंदर सबसे पहले जो फिल्म है शेख चिली बनाए किराए के दूल्हे राजा, उसमें जो रुखसाना का रोल किया है वो है रुखसाना जी का रोल करने वाली है मोनिका शर्मा जी। मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपना प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। मोनी जी जो आपको ये सम्मान आपको मिला, इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं और क्या आप कहना चाहेंगे इस मौके खुशी के मौके? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो सम्मान है हर किसी को नहीं मिलता, सबको नसीब से मिलता है। और ये मेरा नसीब है कि मुझे सर के हाथ से सम्मान मिला और मेरी कामयाबी को सर ने इतना सराहा और जो हमारे फैंस है उन्होंने बहुत सराहा। तो मतलब मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती, मुझे बहुत खुशी है सम्मान मिलने की, क्योंकि लोग कहते हैं पैसे तो बहुत कमा लेते हैं लेकिन नाम बहुत मुश्किल से कमाते हैं। तो पैसा ना सही, नाम बहुत है। दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने हमारी जो मोनिका शर्मा जी थी उनको सम्मानित किया हमारे राजू भाई और हमारे रतन भाई ने। और अभी श्रृंखला में अगला नाम आ रहा है हमारी बहुत उम्दा कलाकार और बहुत अच्छी इंसान शीला तूफान जी का। मैं उनसे चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपना प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। शीला जी इस खुशी के मौके पर जो आपको प्रतीक चिन्ह दिया गया, चलिए इसको प्राप्त करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने जो है थोड़ा सा अल्फाज बयान करें। वो आती है नहीं सर, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आज इतनी खुश हूँ। और ये अवार्ड को देखो जी, निकाल ले एक शब्द निकाल ले क्या बात है क्या? हाँ निकाल लेती हूँ। मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं आप सबको मिठाई बांटू और नाचू गाऊं, आपको भी नचाऊं। पूरी कर दे, पूरी कर दे, दिल का पूरी कर, दिल की बात कह दिया। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो चीज है, ये जो अवार्ड है, ये बड़े नसीब से मिलता है और इसके लिए लोग तरसते हैं। लेकिन मैं अपना खुश नसीब समझूंगी कि मैं मेरे गुरुजी हरिराम तूफान जी है, मैं इनके सानिध्य में आई। मेरे जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर जाकिर जी, इन्होंने मुझे निखारा, और क्योंकि मुझे तो आते नहीं थे बिल्कुल भी एक्टिंग। और जुनेजा जी हैं एनडीजे कंपनी के मालिक, इनकी कंपनी में ये फिल्म हिट हुई है। और सुनंदा कंपनी के जो मालिक हैं आप हमारी फिल्मों को ऐसे ही प्यार देते आए जैसे हमेशा देते आए हैं, क्योंकि आपके सहयोग के और आपके प्यार के बिना हम कुछ भी नहीं है। कोई भी कलाकार होता है बिना जनता के और बिना दर्शकों के कुछ भी नहीं होता, जीरो होता है। जाहिर की है कि मैं एक मिठाई खिलाऊं नाचू गाऊं, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप पे डबल वर्डन पड़े। तो आप पहला वाला निभा दो, बात वाला छोड़ दो। कौन से पहला मिठाई खिला दो, नाचना गाना बाद में कर। दोस्तों अभी श्रृंखला का अगला नाम आता है हमारी बहुत अच्छी कलाकार खट्टी मीठी ज़ारा खान। ये क्या बात है, क्या मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपना प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। आपने बहुत फिल्मों में काम किया है और जो ये आपकी फिल्म सुपरहिट हुई है, इस मौके पर जो आपको प्रतीक चिन्ह मिला उड़ती हुई परी, तो इस परी को महसूस करके क्या आपको नहीं लगता कि आप सुपरी हैं? वाकई तो इस परी के जो आपकी जुबान है उस परी के अंदाज में कुछ बयान कीजिए। जी बिल्कुल, पहली बात तो सबको थैंक यू, शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने फैंस की कि मुझे ये अवार्ड मिला है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमारी एनडीजे म्यूजिक कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और ऐसे हमें अवार्ड मिलते रहे। और जो ये परी है वो तो है ही, और जो पंख है वो मेरे गुरु जी हरिराम तूफान उर्फ शेख चिल्ली जी की वजह से हैं, ये जो भी हमारे पंख हैं। और वाकई मैं उड़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ और थोड़ी सी उड़ान।
याद रखना आपने। अब इस श्रृंखला में अगला नाम आता है आकांक्षा, तो वो स्टेज पर आए और अपना प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। हमने थोड़ी समझा, दर्शकों ने समझा, दर्शकों का धन्यवाद करो, मैं भी करता हूँ ऐसे ही, दर्शकों का धन्यवाद कर। थैंक यू सो मच फैन, आपने मुझे इस ट्रॉफी के काबिल बना दिया। सो मच सर, मैं वहाँ पर ना सर से एक महीने का किराया मांगूंगा। सर आप एक महीने का किराया दे दो। पूरे एक महीने का किराया लूंगी। मैं तो 3 दिन रहा हूँ। अब हमारा अगला नंबर है हमारी अच्छी कलाकार, बहुत प्यारी सी उम्दा कलाकार प्रियंका चोपड़ा। अच्छा। मगर मुझे मेरे गुरुजी ने और कंपनी के मालिक ने मुझे इस लायक समझा, मैं इसका धन्यवाद करना। इस फिल्म में काम निकाले, इस फिल्म इस कंपनी की हिट हीरोइन। अब मैं बुलाना चाहूंगा इस फिल्म के बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन रोल करने वाले इरशाद राजा जी को कि वो आए और अपना प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। देखो जी, घर वालों ने मेरा नाम तुक्का रख दिया, अब मेरा तुक्का कभी कभी लगे और कभी नहीं लगता। इस श्रृंखला में अगला नाम आता है हमारे बहुत प्यारे खूबसूरत हीरो गुलाब चौहान साहब। दोस्तों हाँ, हमारे राजू भाई के बहुत मोहब्बत भरे बुलावे पर हमारे रतन कैसेट कंपनी के मालिक, जो हमारे रतन भाई हैं, सुनंदा कैसेट कंपनी वाले, सॉरी रतन भाई, वो यहाँ तशरीफ लाए हैं। आपने इस फिल्म में बहुत एक उम्दा रोल भी किया है और हमारे बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। मैं चाहूंगा अपने राजू भाई से कि हमारे रतन भाई को सम्मानित करें। रतन भाई, जो ये आप खुशी का मौका है, जो आपको ये, मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड आपको मिला, ये मेरा मानना है, सबसे बड़ा अवार्ड, ये अवार्ड नहीं है, ये आशीर्वाद है जो आपको मिला। शायद सबके नसीब में वो चीज़ नहीं थी, सबके नसीब में ट्रॉफियाँ हैं, लेकिन आपको नसीब में खुद साक्षात भगवान ने दर्शन दिए हैं। इस खुशी के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस को गुड मॉर्निंग करूँगा, नमस्ते करूँगा। उसके बाद जो हमारे NDA कंपनी के जो सुप्रीमो हैं भाई राजू जी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा, अपनी कंपनी में बुलाकर मुझे अवार्ड दिया। इन्हें प्रोड्यूसर या कोई सुप्रीमो नहीं मानता, मैंने अपना बड़ा भाई, 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 भाई। मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि आने वाली सभी मूवियों को इसी तरह सराहते रहें, जिससे कि आप लोगों को इससे बड़े बड़े फंक्शन देखने को मिलते रहें। जय हिंद। इस श्रृंखला में अगला नाम आता है हमारा बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बड़ी फूली हुई गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, बंद गोभी, प्रवीण बब्बर। सबके लिए थैंक यू।
धन्यवाद सबका। दोस्तों इस श्रृंखला में हमारा नंबर आता है जो हमारी एनडीजे कंपनी म्यूजिक के बहुत उम्दा सिंगर और बहुत अच्छी इंसान टीना खान जी, वो तशरीफ लाएं और अपना जो प्रतीक जी है वो प्राप्त करें। जो आपके कई गाने इतने सुपर हिट हुए हैं, एक रसिया जो बहुत ज्यादा हिट हो रहा है, जिसको पब्लिक अपना पूरा भरपूर प्यार आपको दे रही है कि धीरे धीरे आना आधी रात को, तो मैं ये चाहूंगा कि इस खुशी के मौके पर इस प्रतीक चिन्ह के साथ मैं चाहूंगा कि उस जो रसिया के दो लाइन दोनों ड्यूट में एक लाइन का। तो सभी को सबसे पहले थैंक यू सो मच जो आज मुझे इस काबिल समझा, मेरे नसीब में नहीं थी ये, लेकिन इन्हीं सभी का आशीर्वाद मुझ पे बना और ये ट्रॉफी मुझे मिली है, थैंक यू सो मच। तो आइएगा हमारे शेख जी और मैं आपको दो लाइन सुनाते हैं उस रसिया की जिसको आपने बहुत ज्यादा प्यार किया है। हो छोरा धीरे धीरे आना आधी रात को, दिल तरस रहा है मुलाकात को, छोरी झूठ न करती है बात को, ये वादा है आओ आधी रात को। अब हमारे बीच जो हमारी फिल्मों में बेहतरीन इंसान, बेहतरीन कलाकार और हमारे कैमरे के पीछे रहने वाले सज्जन पुरुष, उन्हें पुरुष मत कहो बल्कि उन्हें महापुरुष कहो, जितेंद्र जी। जितेंद्र जी इस खुशी के मौके पर आपको ये सम्मान प्रति जो आपको प्राप्त हुआ, इस खुशी के मौके पर आपसे मैं चाहूँगा कि दो शब्द यहाँ पर ज़रूर कहें। देखिए दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही प्यारी है और हमारे शेख जी की है और हमारे राजू भाई ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये अवार्ड मिला और मुझे ये भी देखो ये जो कर रहे हैं हमारे जितेंद्र जी, एक फिल्म आ रही है इनमें ये कहते हैं जैसे मेरा कोई नाम करता, मुझे कोई गांव में चाहता नहीं, मुझे कुछ देखता नहीं है, मगर तुम ऐसा कर, मैंने एक अंगूठी बनवाई 10,000 की, मेरी मुट्ठी को देखता नहीं है, मगर तू ऐसा कर, तू सारे गांव की दावत कर दे जितेंद्र भाई, सब करीनू खाओ खाओ देखो खाओ खाओ सब देख लेंगे, पूरे गांव की दावत करते हैं और ये सब दावत खिलाते रहे, खाओ 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 सब खा के चले जाओ, मेरे धोए गए यार सेठ जी, मेरे तो नाश करवा दिया, पूरा पैसा लगवा दिया और मेरी अंगूठी किसने दी, पूछी अंगूठी पहले, मैं कहा भाई घर में लगा दे आग, लो फिर मैं कहा घर में आग लगा दे और वही आग बुझाओ बुझाओ सब आएंगे और तो सब तेरी अंगूठी देखेंगे, घर में आग लगा दे, घर फूक जाए मेरे घर जाए भाई, मैं तो किसी ना देख पीछे मेरे दिए तो लोग घर जला कर आया, मुझे दिखा रहा है निकल 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 जा। दोस्तों इस श्रृंखला में अगला नाम आता है हमारे बहुत अच्छे टेक्नीशियन हमारे कुश शर्मा जी। आपने मुझे सिलेक्ट समझा, हम खाली डांस ही गाते थे, आपने एक्टिंग लाइन में भी ले गए, भंडी बीच में ना करो सर डंडी। मोहल्ले में भी सब मुझे फंडी बाबा फंडी बोलने लग गए, उसका नाम चेंज हो गया, इतना प्यारा नाम था फंडी बोलने लग गया सर। कुछ नाम दिया तुम्हारे माता पिता ने और फंडी नाम दिया तुम्हारे काम ने। दोस्तों हमारे इस एनडीजे कंपनी म्यूजिक कंपनी के अंदर बारात आई है, बारात से आप मिल लिए
अभी बारात के दूल्हा से नहीं मिले हो आप, हमारी आन बान शान और एक महान कलाकार जो इस फिल्म के दूल्हा हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा, हरे राम उर्फ शेख चिल्ली। देखिए पहला अवार्ड हमारा जाता है जो हमारे एक्टर के लिए, उसके लिए जाता है, और आपको दूसरा अवार्ड दिया जा रहा सिंगिंग के लिए, जो बेहतरीन आवाज के मालिक हैं, जिनकी रसियां इस टाइम हिंदुस्तान में धूम मचा रही हैं और घर घर बज रही हैं, हर ऑटो में बज रही हैं, इसलिए आपके दो अवार्ड बनते हैं और वो दो ही दिए जा रहे हैं, उनके साथ जरा से भी नाइंसाफी नहीं की जा रही। राजू भाई अपने हाथ से एक साथ दो दीजिए, एक रतन भाई आप दीजिए। भाई ये भी आनी चाहिए, मेरी हीरोइन भी है मेरे अवार्ड के साथ। बोलो 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 सब बोलो आजा। देखो ये अवार्ड बहुत बड़ी चीज होती है, मुझे एक अवार्ड जो सबसे बड़ा अवार्ड मिला मुझे कभी, वो भी अवार्ड है और ये भी अवार्ड है, मैं तो एक रूप से देखता हूँ। 2013 मई को एक अवार्ड बटा था हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को पूरे 100 साल हुए थे, और उस अवार्डों में से वो शाहरुख खान जी हों, अमिताभ बच्चन जी हों, अक्षय जी हों, सलमान खान जी हों, जितने भी एक्टर हैं बड़े बड़े सब वहाँ से, जो बॉम्बे से फिल्म सर्वे होता है, सेंसर होती हैं, उनमें देखा जाता है किस हीरो की किस सबसे ज़्यादा फिल्म सेंसर हुई हैं, उनमें 36वां अवार्ड मेरा भी था दोस्तों। अच्छा जी, बहुत अवार्ड मेरा भी था, अब वो बॉम्बे में देखो कितने हैं हीरो हमारे, सब बड़े बड़े हैं हमसे, और 36वां अवार्ड मेरा भी था उसमें। अब वो अवार्ड तो मुझे दोबारा मिलने वाला नहीं है, एक 100 साल पुराना, 100 साल फिर, क्योंकि जब तक तो मैं जीवन, लेकिन वो अवार्ड मेरा अहम है और ये अवार्ड मैं उनसे कब नहीं आकर, क्योंकि ये मुझे, वो मुझे मिला था फिल्म सेंसर ज़्यादा होने पे किसकी ज़्यादा हुई हैं, लेकिन ये मुझे मिला पब्लिक के प्यार से, मेरी जो दर्शक है, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार के जो लोग देखते हैं घरों में फिल्म, ये उन पे मुझे NDJ कंपनी से उस अवार्ड से नवाजा गया है, कि मेरी जो मम्मी का रोल करती है, भाभी का रोल करती है शीला तूफान जी, और ये हाँ तो मैं मुझे यो क्या कटला दिया है तुम्हारे सामने मोनिका शर्मा जी, रुपसाना जी, तो मैं ये चाहूंगा कि ये मेरे सब पर हैं, बाजू हैं, तो ये सब मेरे मिल रहे हैं ना, तो ये गाड़ी चल रही है, अगर जब ये बाजू है पर नहीं रहेगा तो गाड़ी कहाँ चलेगी, नहीं चलेगी, एक तो क्या हो रहा है यार। हाँ शेख जी, हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ पर, वो है क्या, ये है वो कौन है, ये भूतनी ये है, किराया पैसे दिए ना, अरे पैसे दिए ना, ये क्या दिए, और तू कौन है, मैं शेख चिल्ली की घर वाली हूँ, घर वाली, और तू कौन है, मैं मैं तो इसकी अम्मी हूँ, और ये मेरा जमाई है, और ये कौन है, तो ये मेरी बेटी है, देखी ये सब क्या चल रहा है यहाँ, ये उल्टी सीधी सिखा ली सब आवाज़ से, हाँ बेटी ये है मेरी घर वाली, हाँ किराया बनाई मुझे, तो मुझे किराए दे मेरा, किराए पे, हाँ हाय अल्लाह, ओ यही था किराए का दूल्हा राजा, हाँ ये दोस्तों, अब इस श्रृंखला में जो हमारा नाम आता है, जो हमारी फिल्में बनती हैं, इन फिल्मों को अपने कैमरे से शूट करते हैं और हम छोटे छोटे टुकड़ों में इनको शूट करते हैं, उन टुकड़ों को जोड़कर फिल्म बनाने वाले हमारे नागेंद्र तिवारी जी, कैमरा मैंने बताया ना, शूट करते हैं छोटे छोटे कैमरे पे, तो हमारे नागेंद्र तिवारी जो चीफ DOP साहब और हमारे चीफ एडिटर साहब, हमारे नागेंद्र तिवारी जी यहाँ तशरीफ लाए और अपने चार कमरे द्वारा, हम
खुशी के मौके पर जो आपको सम्मान प्रतीक मिला तो ये ऐसा महसूस हो रहा होगा आपको कि आपका जितना आपने काम किया वो तो सिर्फ एक पेट भरने के बच्चों को रोटी मिलती थी लेकिन हाँ और इनाम आज मिला है। बिल्कुल सर, तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मौका ये है कि आप जैसे डायरेक्टर और हरानी जी भी डायरेक्ट किए हैं कई फिल्म के साथ, मैंने शूट करा है और आपके साथ भी करी है, आप दोनों से कंप्यूटर में सीखने की मिला है, टेक्निकल मैं बहुत सारी चीजें इम्प्रूव किया हूँ और आप लोगों के सानिध्य में आगे करते रहता हूँ और कोशिश करूंगा कि और बेस्ट करने की हमारी कोशिश रहेगी जी। और काफी अच्छा लगा है, हमने काफी मेहनत करा था और हमारे सारे आर्टिस्ट थे जो हम लेट नाइट तक शूट किए थे, जो हमारी इस फिल्म थी हमने करीब 12 बजे पैकअप किया था इस फिल्म के लिए और सारे आर्टिस्ट फुल मतलब भूखे होके मतलब भूखे थे उस टाइम, लास्ट में होटल चुकी हमें 11 बजे पहुंचे थे, 11 बजे खाना खाया था हमें, तो बड़ी मेहनत करी थी हमने तो और ये सफल हुई थी, बहुत खुशी हो रहा है इस बात हमारी मेहनत। राजू जी है कंपनी की तरह आप किसी से बिहेव नहीं करते, सबसे बड़ी इनकी खासियत है, कभी भी किसी आर्टिस्ट का तो कंपनी वाला हिसाबी किताब नहीं रखते हैं। मैं आज 10 साल से हूँ कंपनी में तो मुझे बिल्कुल भाई की तरह इन्होंने प्यार दिया, छोटे भाई की तरह, चाहे मेरे हर दुख में और सुख में मेरे साथ गम में भी। तो दर्शकों, आप अवार्ड फंक्शन देख रहे थे, आपने कलाकारों के अवार्ड फंक्शन देखा और कलाकारों को अवार्ड दिए गए, लेकिन एक ऐसी हस्ती जिसका हमें बेताबी से इंतजार है और जो इन फिल्मों की माँ कही जाने वाली होती है, क्योंकि डायरेक्टर फिल्मों की माँ होती है, तो मैं उनका आह्वान करूंगा कि वो आए मंच पे, डॉक्टर जाकिर अली जी अपना अवार्ड ले और अपना अवार्ड ले। दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूं हमारी ये कंपनी एनडीजे म्यूजिक कंपनी का और अपने राजू भाई का और तमाम जो मेरे साथ काम करने वाले, जो मेरे टेक्नीशियन, मेरे कलाकार, जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मैं एक खाका बनाता हूं दिमाग में कि फिल्म को क्या बनाना, उस खाके पर रंग भरने वाले मेरे कलाकार हैं, जैसे मेरे हरिराम जी हैं, मेरी मोनिका शर्मा, मेरी शीला हैं, हमारे रतन भाई हैं, प्रियंका है, हमारी आकांक्षा है, इरशाद, जो भी मेरे कलाकार हैं, गुलाब, ये सभी वो कलाकार हैं कि जिन्होंने मेरे सपने को, जो मेरी सोच है जिसका मैंने खाका बनाया, उसको पूरा करने वाले ये लोग हैं। अगर इनका नाम ना लिया प्रवीण जी का, और इन लोगों को जो इनके शक्लों को सजाने वाले हमारे गोभी का फूल प्रवीण गब्बर जी हैं, जो सजाने वाली हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो चलेगा मेरे मूवी कोई भी है बिना मेकअप के कंप्लीट नहीं होती। मेरे कलाकारों को तो कोई और होगा, मेकअप तो करेगा ही कोई। मेरे कलाकारों को संवारने वाली जो हमारी प्रवीण बब्बर जी हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूं और मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि पाक परवरदिगार आलम कंटिन्यू ऐसी दर कैसे कहते हैं कि समय दर समय, हफ्ते दर हफ्ते, साल दर साल, हमारी जो ये म्यूजिक कंपनियां हैं, जो हमारे एनडीजे म्यूजिक कंपनी है और हमारे रतन भाई की जो कंपनियां और जितनी भी हमारी कंपनियां, वो इसी तरीके से दिन दूनी रात चौगी तरक्की करते रहे और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा नवख्त लाए कि राजू भाई के हाथों हर हफ्ते अवार्ड लें। दोस्तों, हमारी एनडीजे म्यूजिक कंपनी, हमारे जो राजू भाई हैं, राजकुमार जुनेजा जी, जिन्होंने हम सबको सम्मानित किया है, अब उनका ये सम्मान हमारे सर माथे, लेकिन हमारी पूरी टीम, हमारी शेख चिल्ली एंड टीम पूरी की पूरी, हम अपने राजू भाई को सम्मानित करना चाहते हैं, हमारी टीम की तरफ से राजू भाई को एक छोटी सी भेंट प्रतीक चिन्ह, वो आए और हमसे भेंट प्राप्त करें, हम सबको अपना आशीर्वाद। हम राजू भाई को जी शेख चिल्ली दूल्हा राजा किराए का बनने पर जी परेड होने पर अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, अपनी और अपनी पूरी टीम की तरफ से, हमारे सुप्रीमो हेड डीजे के, उनके लिए एक अवार्ड।
बुलाना चाहता हूँ एक ऐसी कलाकार को जो बेहतरीन, मैं कलाकार नहीं कहूँगा बल्कि उनको कहूँगा फनकार, क्योंकि फन का जो मालिक होता है वो बहुत उम्दा होता है, जिसके अंदर फन होता है। और देखिए इनके एक ऐसे ऐसे गाने हैं एनडीजे म्यूजिक कंपनी में जो सुपर हिट हैं, जैसे इनका गाना है पुलवामा सॉन्ग जो 60 मिलियन, जो करीब 6 करोड़ लोगों ने देखा, और एक गाना है सवारिया माखन चोर जो तकरीबन 20 मिलियन पार कर चुका है। मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा अपनी बहुत उम्दा कलाकार और बहुत उम्दा साथी को, पूजा शर्मा मुजफ्फरनगर से, वो तशरीफ लाए और अपना प्रतीक चिन्ह प्राप्त। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगी, खासकर अंकल जी का, क्योंकि हम जब से इस लाइन में आए हैं, जब से एनडीजे में ही सबसे ज्यादा गाया है हमने, और एनडीजे को कभी हमने कोई कंपनी नहीं समझा, सब बिल्कुल अपने घर जैसी बात है। जैसे अंकल जी ने कह दिया, जैसे हमने कह दिया, सब एक जैसी बात है, इसलिए मैं एनडीजे कंपनी का बार बार धन्यवाद करूंगी और खासकर अंकल जी का। बहुत जितेंद्र जी का, समस्त टीम का, सभी का बार बार धन्यवाद, और हमारे जी का भी और हमारे डॉक्टर साहब का भी और उनका भी, सभी लोगों का धन्यवाद। तो दोस्तों आज का ये अवार्ड फंक्शन, इसके बाद ही हमारा ये समाप्त, हमारा प्रोग्राम यही समापन होता है। हम चलते हैं अगली फिल्म के लिए, अगली फिल्म की तैयारी के लिए, अगले शूटिंग की तैयारी के लिए। आपका, आप लोगों का प्यार का इंतजार में, क्या किस तरीके से आपने फिल्म को प्यार दिया है, गुलाब दिया है, लगातार ऐसे देखते रहिएगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज दोस्तों, जय हिंद। पूरी टीम की तरफ से सब भाईजान, इसी तरह से आप प्यार लुटाते रहो, हम तुम्हें हंसाते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। वे बिगड़ रही है, ये हमारा वादा है, जब तक जिंदा रहेंगे हम हंसाते रहेंगे आपको। हम चाहेंगे उनको वाला कोई गम ना दे, आप हमेशा हंसते रहे, ऐसे ही खिलखिला कर लो। हाँ दोस्तों, और ऐसे खट्टी मीठी कहलवाती रहूंगी सर से, और बहुत सारा एंजॉय करूंगी और करवाऊंगी भी। शादी का पक्का कर दूं, मेरे को नए चिल्ली पैदा हो गए लोग। देखिएगा हमारी फिल्में बहुत ही ज्यादा मजेदार होती हैं, और ये जो एनडीजे कंपनी है इसमें तो बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में आएंगी, तो कमिंग सून बहुत सारी फिल्मों का। अभी हम शेर चिली रस्सी का सांप, शेर चिली रस्सी का सांप।